हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टिचिंग लवर में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी न्यू बर्न बेबी के लिए झबला बनाना। तो ये जो झबला मैं बनाऊंगी, इसमें साइड में सिलाई नहीं लगाऊंगी, ये बिना साइड सिलाई वाला झबला बनाऊंगी। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, ये फोर फोल्ड में है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अभी कट किया है। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने काटा है। अब मैं इसका आप लोगों को नाप बता देती हूँ। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और इसकी जो हमने लंबाई ली है वो हमने 12 इंच ली है। आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत घटा बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो 11 इंच ली है, आप चौड़ाई भी घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे ये हम जो झबला बनाएंगे तो वो साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने ये देखिए साइड में एक कट लगा लिया है इस तरह से। और इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। और ये जो हमने बिल्कुल सेंटर में कट लगाया है, यहाँ से इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे, बराबर से, बिल्कुल बराबर से फोल्ड करना है हमें, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से बराबर से हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बराबर से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमारा ये डबल फोल्ड हो गया कपड़ा। अब इसके बाद इस तरह से हम उठाएंगे और इसके बाद ऊपर से हम फिर फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा जो है कपड़ा, ये फोर फोल्ड में हो गया है। अब इस तरह से हमें फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो जो गले का निशान हमने लिया है, तो इसकी गले की ब्रॉडनेस ली है 2 इंच। और यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, वो हम ले रहे हैं 4 इंच का। और जो हमने आर्म होल की गहराई ली है वो ली है मैंने 3 इंच। आप अगर जो थोड़ा सा बड़ा साइज बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसकी गहराई भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 इंच में निशान लगा लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान मैंने 1 इंच पे लगाया है। और इस तरह से इस पर हमने गोलाई दे दी है, ये देखिए। और यहाँ पे हमें आर्म होल की भी गोलाई दे देनी है इस तरह से। अब इसी तरह से इसको हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, इसको मैंने इसी शेप में कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे। और ये देखिए, ये हमारा जहाँ पे हमने फोल्डिंग करी थी, ये हमारा फ्रंट साइज है। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे एक और निशान लगाएंगे इस तरह से। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। और यहाँ से हमें इस तरह से वी शेप में मिला लेना है गले को, इस तरह से वी शेप में निशान लगा लेना है। और इस निशान को भी हमें कट कर देना है, ये देखिए, इस तरह से हमें निशान को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने गले को कट कर लिया है। ये देखिए, हमारा वी शेप में गला बन के कट के रेडी हो गया है। अब इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। अब ये देखिए, ऊपर की हमारे कटिंग हो गई है आर्म होल की और गले की। अब इसके बाद हम यहाँ पाइपिंग बनाएंगे। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने ये स्ट्रिप कट करके रखी हुई थी। और ये इस स्ट्रिप को मैंने 2 इंच का कट किया है, ये देखिए। अब ये जो हमारा आर्म होल है, ये देखिए, ये हमारा आर्म होल है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से इसको रखना है। और ये हम उल्टी साइड में रख रहे हैं। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। और जब सिलाई लगानी है तो ऊपर की स्ट्रिप हमें अपनी तरफ थोड़ा सा खींचते जाना है, थोड़ा सा खींच के सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने सिल लिया है। अब यहाँ से स्ट्रिप को कट कर देंगे। अब इसके बाद इस तरह से हम सीधी साइड में रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पर डबल फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ से फिर हमें
इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, पाइपिंग बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमें पूरे में बराबर से ही पाइपिंग बनानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग बना के ये देखिए कंप्लीट कर ली है। ये देखिए इस तरह से हमारी पाइपिंग बन के आएगी। इसी तरह से हमें दूसरे वाले आर्म होल में भी बना लेनी है पाइपिंग। तो ये देखिए दोनों में हमने बना ली है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और हमें नीचे की साइड भी थोड़ा सा गोलाई दे देनी है यहाँ पर। तो इस तरह से हम नीचे की साइड 2 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं और ऊपर की साइड हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया है इस तरह से। और यहाँ से हमने इस तरह से गोलाई दे दी है, ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है और इसी गोलाई से हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी गोलाई कट जाएगी। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरह से गोलाई आएगी झबले में। अब इसको हमें इस तरह से उल्टी साइड पे रखना है इस तरह से। और इसके जो हमारे ऊपर के मुड्ढे हैं ये आर्म होल, इसको जोड़ लेना है इस तरह से, हमें जोड़ लेना है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी जोड़ लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों को जोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से हम पकड़ के इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे आर्म होल जुड़ गए हैं दोनों तरफ के। अब इसके हम गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें पूरे राउंड शेप में ही इसमें पाइपिंग लगानी है। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से उल्टा कर लेंगे और हम यहाँ से एक आर्म होल के वहाँ से रखेंगे इसको। और ये देखिए इस स्ट्रिप को हम यहाँ से ले लेंगे और यहीं से हमें स्ट्रिप को इस तरह से रखना है। और इसको हमें पूरी गोलाई में सिल लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमें वी शेप गला बनाना है, तो यहाँ तक हमें इस तरह से सिलना है। इसके बाद एकदम से इस तरह से हमें मोड़ लेना है और उसके बाद इस तरह से मोड़ के हमें फिर सीधी सिलाई लगानी है। और यहाँ पे हमें स्ट्रिप को खींचना भी नहीं है, ये हम गोलाई देंगे तो यहाँ पे हम स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचेंगे नहीं। और इसी तरह से हमें गोलाई में ही सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इसी तरह से हमें सीधी ही सिलाई लगानी है गोलाई में और स्ट्रिप को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और दूसरी तरफ गला भी वी शेप में जो है हमारा, वहाँ पे भी हमें उसी तरह से ऐसे होकर के एकदम से फिर मोड़ लेना है इस तरह से और यहाँ पे फिर ऐसे सिल के बना लेना है। और जहाँ से हमने शुरू किया था उसके थोड़ा सा हमें अंदर तक सिलाई लगानी है दूसरी वाली स्ट्रिप की, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें इसको इस तरह से कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है और इसके बाद हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे ये देखिए। और फिर हम यहाँ से
यहीं से इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मोटी सी पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरह से इसको रख के यहाँ से हमें पाइपिंग बनाना शुरू कर देनी है। तो हमें उतनी ही चौड़ी पाइपिंग बनानी है जितनी चौड़ी हमने आर्म होल में बनाई है। ये देखिए इसी तरह से हमें फोल्ड करना है बराबर से बिल्कुल, और इसके ऊपर पाइपिंग चलाते जाना है, फोल्ड करते जाना है, पाइपिंग चलाते जाना है, पूरे राउंड शेप में इसी तरह से बना लेना है। इसी तरह से हमें बस फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, फिर फोल्ड करते जाना है, फिर सिलाई लगाते जाना है, पूरी पाइपिंग हमारी इसी प्रोसेस में बनेगी। ये देखिए इसी तरह से हमें पूरे में पाइपिंग बना के कंप्लीट कर लेना है इसको। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और जहाँ पे आपको क्लियर समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं और क्लियर समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए पाइपिंग बना के इस तरह से हमारा झबला रेडी हो जाएगा। ये देखिए और यहाँ पर हमें बटन लगा देनी है, आप हुक भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और ये देखिए ये कपड़ा हमने लिया है, इससे हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसको इस तरह से हम डबल फोल्ड में रखेंगे, और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो हमने ली है 11 इंच इस तरह से। ये देखिए अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये हमने 4 फोल्ड में इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, तो आप जितना भी लंबा रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है, आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमने 7 इंच पे सीधा निशान लगा लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमने जिधर हमारे चारों पल्ले खुले हैं उधर लगाया है। इसके बाद हम नीचे 5 इंच पे निशान लगाया है, और इस तरह से इस निशान को सीधा करके एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम नीचे यहाँ पे 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है, और इस निशान को हमें इस गोलाई से इस तरह से मिला देना है। अब इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी शेप में मैंने इसकी कटिंग का पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम इधर से ही इस तरह से खोलेंगे ये देखिए, और इसको हम इसमें नीचे की साइड हम पाइपिंग लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से खोल लेंगे, और जो नीचे है हमारा नीचे का साइड रहेगा वहाँ पर हम इस तरह से इसमें भी पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद हमें इस तरह से सीधी साइड में इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हमें पाइपिंग बना लेनी है। इसी तरह से मैंने दोनों में पाइपिंग बना ली है। इसके बाद इस तरह से हमें रखना है, सीधे साइड को हमें अंदर की साइड रखना है दोनों को, और यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हमें ऊपर जो हमारा राउंड शेप दिया हुआ है यहीं तक इस तरह से राउंड शेप में यहाँ तक लगा लेनी है। और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा डबल सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद इस तरह से हमें खोल के इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ इसका जो ये सेंटर है यहाँ पे हमें इसके सेंटर को बराबर से मिला के इसको सिल लेना है इस तरह से सिलना है। ये देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर से मिला के ही सिलाई लगानी है।
और इस पे भी हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे हम लास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें फोल्ड कर लेना है 1 इंच तक का, और यहाँ पे इसी तरह से हमें बराबर से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा नेफा बन के कम्प्लीट हो जाएगा। इसमें हम लास्टिक डाल सकते हैं, हम बाद में भी लास्टिक डाल सकते हैं, आप इसमें साथ में भी लास्टिक डाल के नेफा बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी लास्टिक नहीं डाली है, मैं इसमें बाद में लास्टिक डालूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें 1 इंच 1.5 इंच तक का नेफा बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पैंट भी बन के रेडी हो गई है, और हमें बीच में थोड़ा सा खोल देना है, वहाँ से हम लास्टिक को डाल देंगे बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी खूबसूरत सी पैंट भी बन के रेडी हो गई है, और ये देखिए हमारा ये झबला बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे कपड़े बन के रेडी हो गए हैं।